नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचैट। 21वीं सदी में झाड़ फूंक से इलाज। इंसान का भौतिक विज्ञान जहां जाकर चुप हो जाता है, वहीं से रूहानी दुनिया शुरू हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान आज काफी आगे निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए अदृश्य शक्तियों की शरण में जाते हैं। ताजा मामला बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के बरखरा गांव का है, जहां सर्प दंश से मृत दो मासूम के शव के साथ 3 दिन तक जिंदा करने के लिए झाड़फूंक होता रहा और इस रूढ़िवादिता के खौफनाक खेल को रोकने और जिला चिकित्सालय ले जाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ये पूरा मामला जनपद बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के बरखरा गाँव का है, जहाँ शनिवार की रात में अक्षय कुमार और 13 रवि कुमार 10 जो सगे भाई है एक ही चारपाई पर सो रहे थे और रात में 12 बजे के करीब चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख पर परिजन चारपाई के पास पहुंचे तो पता चला कि दोनों भाइयों को सर्प ने काट लिया है। परिजन चारपाई के पास सर्प को देखकर दंग रह गए और तत्काल चिकित्सालय न ले जाकर अंबा के सती मां के स्थान पर झाड़फूंक करने के लिए चले गए, लेकिन झाड़फूंक का कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों बच्चों की मौत हो गई। बावजूद ये सिलसिला वहीं समाप्त नहीं हुआ। सबको 3 दिनों तक घर रखकर तमाम औजार और तांत्रिकों के माध्यम से बच्चों को जीवित कराने का प्रयास चलता रहा, जो बेनतीजा निकला। बलिया की झाड़फूंक की ये तस्वीरें 21वीं सदी के भारत के लिए बड़ी शर्मनाक करने वाली है, जिसमें सर्प काटने का इलाज झाड़फूंक और तांत्रिक कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य का दावा करने वाले सरकार की पोल खोल रहा यह झाड़फूंक, जिसमें मासूमों को जमीन पर लिटाकर 3 दिनों तक झाड़फूंक किया जाता रहा और बलिया स्वास्थ्य महकमा कान में तेल डालकर सोया रहा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दावा है कि मृत बच्चों के परिजन जिम्मेदार हैं, सब काटने पर डॉक्टर के पास जाए न कि झाड़फूंक कराएं। अक्षय और रवि कुमार की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या अंधविश्वास, क्या रूढ़िवादिता या निरीक्षक? अक्षय और रवि के परिजन या समाज? यूं कहे तो सरकार के बड़े बड़े दावे जो हर अंतिम आदमी तक अपनी स्वास्थ्य योजनाओं के पहुँचाने के दम भरती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अक्षय रवि नहीं आ सकते, यही सच्चाई है। वहीं विधि के जानकार अधिवक्ता अंबिका तिवारी का कहना है कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता ने इन दोनों मासूमों की जान ली है। झाड़फूंक कोई इलाज नहीं होता है। समाचार टीजेड के लिए बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। पसुतर हो गए यही तरह दोनों जना सरफ वातावरण के मच्छरदानी ताना रहे, मच्छरदानी के अंदर घुस गए हुए डंक मार दल भाई नाखी पड़ेगा दो वो वही बड़ा सती माई की हेले के भगवी जा फूल लैकवा के अब पता नहीं थे। इधर देखिए, आपका नाम क्या है चाचा? हमारा राजन नाम है। और ये लड़के किनके हैं? अभी इनका अक्षय कुमार नाम है, राजकुमार रवि किसान, राजकुमार के लड़के हैं सर। हाँ, गांव कौन सा है? यह भराखरा। भराखरा गांव है। यह कब की घटना हुई है? ये 12 बजे की घटना है, रात को। और कब जाने आप लोग? हम लोग तुरंत जान गए और तुरंत लेकर गए। कहाँ पर लेकर गए? सती माई पर। ये लड़के बताएं कि क्या हुआ है, कि आप लोग देखें। नहीं नहीं, हेलो बोला है लड़का कि बाबूजी हम सर्फ काट दिया। अच्छा, तो उस समय से कहाँ लेकर गए? हम लोग दौड़ करके गए, देखे तो चारपाई पर से उतर के और भगने जा रहा है, तो हम लोग को तनिक तारुज खोजने में दुखलिट हो गया है, ऐसे बल्ब जल रहा है। और तले इनकी माँ बोले कि हो जाता, डंडा चलाए तो बरी दिए कि नहीं नहीं, सती माई की है, ले जाना है, नत मारो। हम लोग छोड़ दिए। इसके बाद कहाँ लेकर गए आप लोग? हम बांधी अमोक सती माई तो। और उसके बाद? उसके बाद वहाँ से, वहाँ पर क्या घटना हो गई? वहाँ तो ठीक हो गया। अच्छा, और वहाँ पर लड़के बोलने लगे और नहा करके जयकार मनाए। उसके बाद वहाँ का जो आदमी है वो बोला कि अब लेकर के घर जाओ। अच्छा, हम लोग लेकर के आए तो रास्ते में ऐसे फिर हो गया, तो उनका जो है छोटे बच्चे को आने के मुंह बंद हो गया। अच्छा, और इनका मुंह खुल गया, आँख बंद हो गया उनका। अच्छा,
यही तो हुआ जी। तिवारी जी, जो सुपुरा के जो घटना है, जो दो बच्चों के सांप काटने से मौत हो गई है और वो 3 दिन तक बच्चे के शव रख के झाड़ फूँक किया गया है, तो वो आपके नज़र में किस तरह की है? वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांप काटने की एक ही दवा है हॉस्पिटल, बिना हॉस्पिटल के कोई बच नहीं सकता। झाड़ फूँक पुराने ज़माने में होती थी, लोग विश्वास करते थे और उससे कोई फ़ायदा ना हुआ था न होने वाला है। सांपों की कई वेराइटियाँ होती हैं, कुछ में जहर होता है कुछ में नहीं होता है। जिसमें जहर नहीं होता है उसके लिए तो झाड़ फूँक एक बहाना बन जाता है, लेकिन जिन सांपों में जहरीला सांप है जहर होता है उसके काटने से कोई झाड़ फूँक कामयाब नहीं होती है, बिना इंजेक्शन के बिना दवा के बिना हस्पिटल। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। ये कलंक है, वैसा नहीं होना चाहिए।